ये दो चीज इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू डू डीएक्शन एंड वाई टू डू डीएक्शन। बहुत लोग मुझे पूछते हैं मैं डीएक्शन कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, से बहुत इंपॉर्टेंट है मैं डीएक्शन क्यों करूं। अगर ये क्यों पता नहीं होगा ना, डीएक्शन करने में आपको मुश्किल लगेगा। ये क्यों पता करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यों को आप क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों कर रहा हूं ये बिजनेस, मैं इसलिए कर रहा हूं मेरे बेटी के लिए कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं मेरे बच्चे के लिए कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं मेरा फ्यूचर के लिए कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं मेरा घर के लिए कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं ये गाड़ी चाहिए उसके लिए कर रहा हूं। मेरा क्यों क्लियर होना चाहिए। अगर मेरा क्यों क्लियर हो जाएगा, जो भी लोग आपका ऊपर हंसेंगे कुसेंगे कुछ नहीं होगा। ये क्यों इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों का ऊपर ऑलवेज आई यूज टू टेल दिस स्टोरी। नो, एक सुंदर सी एक लड़की थी, 18 बरस की एक लड़की, बहुत सुंदर थी। उसने 70 साल बुढ़े से शादी कर ली। अच्छी बात है खराब बात है? 70 साल बुढ़े से, वो 18 बरस की सुंदर लड़की 70 बरस एक बुढ़े से शादी कर ली। करने के बाद उसकी जो सहेली थी उसने कहा कि वो लड़की से पूछा, ये तू पागल हो गई क्या, तू इतनी सुंदर है, तूने क्या देखा वो बुढ़े से आपने तूने शादी कर लिया। वो लड़की ने बोली, मैंने वो बुढ़े से दो चीज देखा, एक है उसका इनकम, क्या है उसका पैसा, करोड़पति है। सेकेंड है उसका दिन कम माने उसका समय कम है। बुढ़ा अभी 2 साल में चलेगा तो करोड़पति कौन, मैं, सही है ना। So, दो चीज उसका जो मोटिवेटिंग फैक्टर है, वो क्यों कर रही है उसे पता है, दो चीज उसे पता है, एक है इनकम और बुढ़ा का दिन कम। इसीलिए जितना भी वो एक मुश्किल काम था वो आराम से वो काम को कर सकी, क्योंकि वो काम वो क्यों कर रही है उसे वो पता था। अगर डीएक्शन हम लोग करना है, ये क्यों करना है इसे अगर हम क्लियर कर लेंगे तो डीएक्शन हम आराम से कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन डीएक्शन, ये जो मार्टिन लूथर किंग ने बहुत बड़ी बात बोला था, क्या बोला था, इफ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, आप उठ नहीं सकते हो देन भागो, इफ यू कैन नॉट रन, आप भाग नहीं सकते हो देन चलो, आप चल नहीं सकते हो देन रेंग कर जाओ, बट रुको मत। डीएक्शन करना है, बहुत तेजी से करना नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे करो, जितना धीरे हो सकता है उतना धीरे करो, बट रुको मत। रुक गया मर गया। जब तक आदमी रुकता नहीं है उतना दिन जिंदा रहता है, जब रुक जाता है तब मर जाता है। कभी भी रुको मत। डीएक्शन में जीतना है तो डीएक्शन का आप जैसा करना चाहते हैं करो, बट करते ही रहो, देन वन डे यू विल बिकम फॉर श्योर करोना बिजनेस। बी सिंगल माइंडेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीएक्शन ज्वाइन करने के बाद कहां देखना, सीधा देखना, ये कंपनी क्या कर रहा है, वो कंपनी क्या कर रहा है, ये कंपनी क्या दे रहा है, वो कंपनी क्या दे रहा है, ये नहीं देखने का। डीएक्शन से ज्वाइन करते हैं का मतलब डीएक्शन का और आपसे शादी हो गया है, सही है ना। शादी का पहले सोच लो, लड़की अच्छी है खराब है, ऊंचा है गिड़ी है, बाल है नहीं है, आंख दिखता है नहीं दिखता है, सब शादी करने के पहले। शादी हो गया लेकिन ये नहीं बोलने का उसकी बाल अच्छा है, उसकी कलर अच्छी है, सही है ना। आपने जानबूझकर शादी किया, शादी से पहले सोच लो ये लड़की मेरे लिए पसंद है या नहीं है। अगर पसंद है जिंदगी भर एक ही लड़की के साथ होना चाहिए, वैसे ही अगर डीएक्शन आपको पसंद है, डीएक्शन से शादी कर लिया, डीएक्शन से मेंबरशिप ले लिया, इधर उधर नहीं देखने का, सीधा देखने का। डीएक्शन आपको क्राउन एम्बेसडर बनाएगी ही बनाएगा। दिस मैंगो थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है ना, मैंगो पता है, आम, आम का जाट देखा, रायपुर में है आम का जाट, आम का जाट में क्या होता है, आम का सीजन जो पहले होता है ऐसा आम का जाट में फ्लावर्स होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोर, हाँ वही फ्लावर होता है। सो ये फ्लावर का मतलब क्या है, हर एक फ्लावर एक आम होने वाला है, बट ऐसा होता है नहीं होता है, कुछ जोर आता है, कुछ रेन आता है, कुछ फ्लावर नीचे गिर जाते हैं, गिर जाने के बाद देन छोटे छोटे आम आते हैं, कुछ तूफान आता है और कुछ छोटे छोटे आम नीचे गिर गया। जो आम वो जो जाट को पकड़ के ही रहता है वो बनता है रियल आम, सही है ना। वैसे ही हमारा जो नेटवर्क है, हमारा जो बिजनेस है, कुछ लोग डीएक्शन को छोड़कर जा सकते हैं, जो नीचे गिर गए
उनका ऊपर फिक्र नहीं करने का, जो जाड़ को पकड़ के ही रखेगा वही क्राउन एम्बेसडर बनेगा। कोई हाल में, किसी हाल में जाड़ को नहीं छोड़ने का। जाड़ का साथ रहेंगे तो आम बनेंगे, डी एक्शन का साथ रहेंगे तो क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, छोड़ देंगे तो सब गया। सही है ना, पकड़ के रहना। सो ये नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। डॉक्टर लिम सियोजी, उनके लिए हाथ ताली हो जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू डिसाइड द अर्जेंसी, कितना तेजी से डी एक्शन करना है ये आपको ऊपर है, कितना तेजी से मुझे जीतना है लाइफ में। यू डिसाइड द अर्जेंसी, नो वन इज पुशिंग यू एक्सपेक्ट यू एक्सेप्ट यूर वॉइस, बिकॉज रिमेंबर दिस वन, योर लवली वाइफ इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। आपका जो बीवी है वो आपकी सक्सेस के लिए वेट कर रही है, उसका अंदर एक आशा है, उसे पता है एक दिन मेरा मर्द जीतेगा, एक दिन मेरा मर्द ये दुनिया में कुछ करके दिखाएगा। आपका वाइफ के लिए आपको सक्सेस होना बहुत बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी सक्सेसफुल फॉर योर चिल्ड्रन, आपकी जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे उनका ऊपर एक आशा है, एक दिन मेरा बाप कुछ करेगा, एक दिन मेरी मां कुछ करेगी। उनके लिए जीतना मेरे लिए जरूरी है, मेरे लिए जीतना जरूरी नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चे मेरे बच्चे के लिए जीतना मेरे लिए जरूरी है, ये मेरी बाप उसके लिए जीतना मेरे लिए जरूरी है, मेरी मां उसके लिए जीतना मेरे लिए जरूरी है। क्योंकि ये जो दुनिया है सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरी परिवार के लिए हम जी रहे। आई एम करेक्ट और रॉन्ग? हमारा जो परिवार है वही हमारा सब कुछ है। अगर परिवार को हम प्यार करते हैं, कुछ ऐसा कुछ काम करना है जो काम आपका लाइफ को चेंज कर सकता है। मुझे पता नहीं आपका पास क्या क्या चॉइसेस है जो आपका लाइफ को चेंज कर सकता है, बट डी एक्शन ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसा एक अवसर है जो नॉर्मल जहां भी हो कैसे भी हो, अगर जीतने का जिद आपका अंदर है तो डी एक्शन आपको जिता सकता। हाउ इट गिव्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नंबर वन, वी कॉल ये ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक प्रोडक्ट यहां पे तैयार होता है, से फॉर एग्जांपल एक सोप यहां पे तैयार होता है, ये तैयार होने का दाम रहता है 2 रुपया। ये तैयार होने की बाद ये आता है डिलीवरी में, ये आता है होलसेल में, फिर ये आता है मिडिलमैन, मिडिलमैन के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद कंस्यूमर, ये कंस्यूमर, ये फैक्ट्री से यहां आने का तक एक चैनल यूज होता है, वो है एडवर्टाइजमेंट। ये जो सोप 2 रुपए में तैयार हुआ, मेरा पास यहां आता है वो बिकता है 30 रुपए में। सही है गलत? ये बीच का